बनाया जा रहा था पाकिस्तान को, अब जिस चीज की जरूरत थी वो UF6 गैस का गैसिफिकेशन और सॉलिडिफिकेशन प्लांट था। इस प्लांट के बारे में मैंने मुख्तसरन आपको इस कहानी की 8वीं किस्त में भी बताया था। गैसिफिकेशन प्लांट से UF6 गैस सेंट्रीफ्यूज के अंदर डाली जाती थी और सेंट्रीफ्यूजेस से ज्यादा कसाफत वाली UF6 गैस निकालने के बाद सॉलिडिफिकेशन प्लांट में डाली जाती थी, जो इस गैस को ठोस यूरेनियम-235 में तब्दील करता था। पाकिस्तान के लिए इन दोनों प्लांट्स पर स्विट्जरलैंड की कोरा इंजीनियरिंग कंपनी काम कर रही थी। इस गैसिफिकेशन और सॉलिडिफिकेशन प्लांट के ऑर्डर को खुफिया रखने की हजार कोशिशों के बावजूद इस ऑर्डर की भनक अमरीकी मीडिया तक पहुंच गई और उस कंपनी के मालिकों से हर तरह के सवाल किए जाने लगे। So impressed with this aggressive selling attitude that they upped their requirements. They went to Cora Engineering, tucked away in the Alps, with an astounding request. Could Cora, they asked, design and build a system to feed gas to the centrifuges? The answer was a very rapid yes. This was no small, vague component, but a vital stage in the enrichment process to be custom made in Europe.